कोडरमा में एक मुस्लिम कारीगर ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की है, जहां मुस्लिम कारीगर रामनवमी को लेकर झंडा बना रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि हम कई साल से इस काम को कर रहे हैं और लोग दूर दूर से झंडा खरीदने के लिए आते हैं। लोकल भी काम आता है, वो भी करते रहते हैं, इसलिए कि हम लोग पहले से काम करते हुए हैं और इस साल रमजान के टाइम में भी काम करके गए हैं। गंगा जमुना के जो तहजीब काम किया है, इससे लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। उसमें महसूस यही करते हैं कि हम इतना अच्छा से काम करके लगा के देते हैं और फिर भी हमसे थोड़ा सा उसी से बात करता है, वो हमको अच्छा है। कोडरमा जिला वासियों हर समय एक शांति का संदेश कोडरमा वासियों को सर्वधर्म संभाव के तहत लोगों ने, चाहे मुस्लिम समुदाय के हो, हिंदू समुदाय के हो, ईसाई समुदाय के हो, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो समुदाय का, जो हम लोग पूरे भारत में हम लोग जो चार वर्ग के लोग रहते हैं, हमेशा से स्वाद शांति का स्वाद करके काम होकर के हम लोग चलते आ रहे हैं। और आज इसी मौके पर कोडरमा जिला में आज पुनः कल रामनवमी का एक जुलूस निकलेगा, जिसमें हजारों के तादाद में लोग रहेंगे और कोडरमा जिला गंगा जमुना तहजीब की दोस्ती निभाते हुए, एक भाईचारे को आगे बढ़ाते हुए कल एक मिसाल कायम करेंगे।